और सब बेटा ले अपना दे, वो फटका दे लाइटनिंग स्ट्रीक वाला। ओ 200 का डैमेज। ओ भाई साहब तुम देख रहे हो, द इलेक्ट्रिक गॉड पोकेमोन है ये। पूरा मत मारना, रुक जा, लेट्स गो। पहला ट्राई अटेम्प्ट करते क्या आएगा अपने पास। पहले अटेम्प्ट में जॉर्मोनटाइड द वाटर एम्परर, लेट्स गो। आ जाना, पहले अटेम्प्ट में आ जाएगा, पहले अटेम्प्ट में आ जाएगा, पहले अटेम्प्ट में आ गया। My God, let's go, buddy. So guys, and welcome back to another video, Pokemon Journey. तो आज हम फिर से ब्रीडिंग करने जा रहे हैं। पता है कौन से पॉकीमोन का? दो लेजेंडरी पॉकीमोन का ब्रीड करके हम बनाने वाले अल्ट्रा लेजेंडरी पॉकीमोन। तुम लोगों को पता है डेट्रेक्स गेमिंग का अल्ट्रा लेजेंडरी पॉकीमोन है शैडोविक। तो आज हम वो शैडोविक बनाने वाले हैं किड्स उनके साथ। ये एक फायर टाइप पॉकीमोन और इसको हम ब्रीड करवाने वाले, पता है किसके साथ? तो इसको देखो कितना ही मस्त है ये किड्स उन, और इसको ब्रीड करवाने वाले है हम लोग ने लास्ट एपिसोड में जिसको बनाया था ब्रीड करके, जो कि है हमारा एस्टेगॉन। देख सकते हो यहाँ पर लास्ट एपिसोड में हमने इसको ब्रीड करके बनवाया था। तो आज हम करने वाले इन दोनों के बीच में ब्रीडिंग, और ब्रीडिंग करके बनाने वाले है डेट्रेक्स गेमिंग की लेजेंडरी पॉकेमोन में से एक पॉकेमोन जिसका नाम है शैडोविक। तो गाइस लेजेंडरी पॉकेमोन में से एक वो सुपर पावर पॉकेमोन है, अगर वो हमारे जर्नी में शामिल हो जाता है तो लिटरली गाइस हम किसी को भी हरा सकते। तो यहाँ पर देखो ये हमारा ब्रीडिंग फार्म तैयार ऑलरेडी है, और हमेशा की तरह आपको पता ही हमको क्या लगेगा, हमको लगने वाला है केक, जो कि हमारे पास नहीं, हमको केक का ऑर्डर देना पड़ेगा, मतलब केक बनाना पड़ेगा, तब जाके ये ब्रीडिंग सेक्शन काम करना शुरू करेगा। तो काम करते चलो फटाफट, रिटर्न बुलाते अपने पॉकीबॉल में और यहाँ से चलते अपने मेन बेस की तरफ। मेन बेस में जाने के बाद अपन देखेंगे कि अपने को करना क्या है। तो एक्चुअल में आप पर दोनों को बाजू में रखते कि अपने को यहाँ पर ये जो है किड्सुन तुम देख सकते हो, एक मेल और एक फीमेल मेरे को चाहिए एस्टेगॉन, और यहाँ पर मैंने दोनों को बाजू में रख लिया। तो लेट्स गो, मैं आ चुका हूँ मेरे बेस पर। यहाँ पर देखो पॉट में मेरे को लगाना है केक बनने को। यहाँ पर केक बनने के लिए मेरे पास क्या नहीं है राइट नाउ? मेरे पास अंडे और हनी नहीं है। अंडे तो मुझे लग रहा है मैं खरीद सकता हूँ, और हनी के लिए मेरे को जाना पड़ेगा शहद मारने के लिए। शहद मारने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो पॉकीमोन होते हैं हनी भी, उनको मारना पड़ेगा, उसके बाद मुझे मिलने वाला है हनी के शहद। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, रुको दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को, एक हनी पॉकीमोन है जो की पाल वर्ल्ड में बहुत ही डेंजर होती है, तो यही कहीं पर उसको होना चाहिए। तो लेट्स गो, देखो गाइस ये तो होती है, ये उसकी छोटी बॉस और ये अली बड़ी बॉस। तो इनका लोकेशन तुम यहाँ पर देख सकते हो, तो फटाफट चलते उनकी लोकेशन की तरफ। पहले ट्राई करेंगे पकड़ने का, अगर ये पकड़ने में नहीं आए तो अपने को फिर मारना पड़ेगा, क्योंकि गाइस जब पकड़ने जाओ ना तो मैं अकेले रहता तो ये मेरे पे बहुत ज्यादा अटैक करते। तो राइट नाउ तुम देख सकते हो गाइस, इसके साथ में जो ये हनी बी है ना, उसके दो बच्चे भी घूमते हैं, और वो बच्चे इतने डेंजर होते हैं ना, अपने पास आके ब्लास्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए उनसे जरा दूर रहने। देखो गाइस अटैक क्या खतरनाक कर रही है, मेरे को लग रहा है फायर अटैक के सामने थोड़ी कमजोर तो पड़ रहा हूं। पर यहां पर मैंने निकाल लिया अपना बीस्ट पॉकीमोन, जो कि अटैक क्यों नहीं कर रहा। भाई रुको, ये अटैक क्यों नहीं कर रहे? क्या हो गया बे? अटैक कर सुजा को, क्या हो गया बे? ये मेरे पे फटने वाली, रुको सुजा को हुआ क्या? अटैक ही नहीं कर रहा है, मेरे पीछे घूमे जा रहा है। अबे ये सीन क्या है? सुजाकू अटैक कर ले भाई, वरना ये अपने को कच्चा खा जाएंगे। ये देखो अटैक ही नहीं कर रहा भाई, मेरे पॉकीमोन को हुआ क्या है भाई? कुछ तो कर ले। रुको फिर से बुलाते हैं, भाई मरने वाला भाई, यहाँ से भागो भागो सुजा। अबे यार रुको, कमांड दिया इसको मैंने यहाँ पर, चल भाई सब अभी फटाफट खत्म कर, मेरे पास टाइम नहीं बिल्कुल भी। ये देखो इतने जल्दी ये खत्म करेगा ना, तुम लोग देख के पागल हो जाओगे। गाइस सुजाकू मेरे पास एक लेजेंडरी पॉकीमोन है, और मेरे पास अभी एस्टेगॉन भी लेजेंडरी पॉकीमोन आ चुका है, और अभी शैडो भी हम बनाने वाले। तो क्योंकि तुमको मैं बताना चाहता हूँ, अभी उनका लेवल अप नहीं हुआ है, तो वो अभी कमजोर पॉकीमोन का लेवल अप करेंगे, तब जाके वो बहुत ही खतरनाक बनेंगे। और अपने पास एक और पॉकीमोन लेजेंडरी है जिसका नाम है ऑर्सक। भाई वो थंडर पॉकीमोन है, तो अभी कुछ काम का है नहीं, तो मेरे को कैसे लेजेंडरी पॉकीमोन का नाम बताओ जो कि मेरे टीम में हो। तो भाई खत्म खत्म खल्लास, सामने कोई भी पॉकीमोन आना अपन उसको इजी हरा देंगे। चल भाई पकड़ ले भाई, आ जा, मेरा बॉल वेस्ट कर रही खाली फुकट का। हम लोग यहाँ पर देखो मैंने कितने ज्यादा बीज मार दिए, मतलब जो मधुमक्खी की छाती होती है उनको मैंने कितने ज्यादा मार दिया। लेट्स गो, इनको मरना लिखा है, नसीब में आना ही नहीं लिखा है यार। मेरे पास रहोगे तो तुम जिंदगी जियोगे, ऐश करोगे। देखो भाई इसके नसीब में मरना ही लिखा है, भाई मार, मैं मर जाऊंगा वरना। लेट्स गो, इसको भी मार दिया। ये कहां से एक और आ चुकी है सुजाकू, चल उसको भी खत्म कर फटाफट से। उसके बाद यहाँ पर जितने भी हनी अपने पास जमा हुए राइट नाउ गाइस, वो सारे मैंने ले लिए, और यहाँ से निकलने की बारी आ चुकी है। इन पे अगर टाइम वेस्ट करूंगा तो भाई अपने को केक भी बनाना है, और उसके बाद अपने को जाना है पकड़ने के लिए जॉर्मोनटाइड, भाई साहब वाटर गॉड पॉकीमोन जिसको हमको आज पकड़ने जाना है। उसके लिए मैं एकदम तैयार हूँ, मैंने अपने चार पांच इलेक्ट्रिक पॉकीमोन तैयार कर लिए, लेवल अप करके रेडी रखे। बट यहाँ पर हमको फिलहाल अभी केक पे फोकस करना है, अपने उनको ब्रीडिंग में डालना है। देखो गाइस मैं आ चुका हूँ केक बनने के लिए, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे सामान मैं लेके आ चुका हूँ केक बनने, और डालते हैं। और अपना सुजाकू जो कि है भाई फटाफट इस पे काम करना शुरू करेगा। ये लेवल 3 का फायर करता है, मतलब इसके पास है एवरेज पॉकीमोन टाइप का ही है, बट अपने को पता है क्या चाहिए, अपने को चाहिए जॉर्मोनटाइड इग्निस। भाई लेवल 4 का पॉकीमोन है, अगर
अगर वो यहाँ पर आपकी गोले बरसाएगा ना तो ये केक तुरंत बन जाएगा। तो राइट नाउ केक अपना रेडी होने वाला है, ऑलमोस्ट तैयार है केक। ये केक को अपने को लेकर जाना है अपने तीसरे बेस की तरफ जहाँ पर अपन ने ब्रीडिंग फार्म बनाया और वहाँ पर किट्सुन और एस्ट्रेगन को डालना है ब्रीडिंग के लिए। उसके बाद अपने को मिलेगा द गॉड पोकेमोन, डार्क पोकेमोन का गॉड ही तुम कह सकते हो, बहुत ही पावरफुल पोकेमोन है वो शैडो बिग। और अगर तुम लोग जानते हो कि शैडो बिग का ओरिजिनल लोकेशन कहाँ पर है मैप में तो मुझे बताना, मैं उसको पर्सनली जो लेवल अप रहेगा 45 के ऊपर का लेवल का रहेगा उसको पकड़ने के लिए हम जाएंगे पूरी तरीके से प्लानिंग करके। मैं तुमको बताता हूँ, मैं जब पोकेमोन पकड़ने जाता हूँ ना पूरी तरीके से प्लानिंग करके जाता हूँ, मतलब मुझे कौन से कम 4 या 5 ऐसे पोकेमोन चाहिए ना जो कि उसके सामने ताकतवर हो और मैं चारों को यूज करके उसको एट द एंड पकड़ ही लेता हूँ। तो मुझे बता अगर आप लोग जानते हो शैडो बिग का लोकेशन तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यहाँ पर मैंने किट्सुन को रख दिया ब्रीडिंग के लिए और ये यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, तू क्यों कर रहा है कोर माइनिंग? मैंने वहां पर टॉर्टोइस को लगा के रखा है कोर माइनिंग के लिए, तू भी काम कर, तू मेरे साथ चल और फटाफट ब्रीडिंग में जाओ और मेरे को निकाल के देख लेजेंडरी पोकेमोन शैडो बिग। गाइस तो यहाँ पर एक तो तैयार है, दूसरे को डालते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर टाइमर शुरू हो चुका है, इनको टाइम लगने वाला है ब्रीडिंग के लिए, तो यहाँ पर केक इनफ नहीं है। तो एक काम करते फटाफट केक डाल देते इस बॉक्स के अंदर, केक डालने के बाद प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर कम से कम आधा एक घंटा लगेगा इसको केक को बनने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ अंडे पड़े हुए, तो इसके अंदर से क्या निकलता अपन देखते हैं भाई। ये क्या करूंगा मैं इसका लेके यार, कुछ अच्छा पोकेमोन दे देते मेरे को, लेजेंडरी पोकेमोन दो यार, क्या करूंगा मैं इन पोकेमोनों का लेके यार, एक और बेकार पोकेमोन, मतलब क्या ही जिंदगी है। लेट्स गो गाइस, टाइम हो चुका है, शाम हो चुकी है और यहाँ पर हमारा अंडा देखो, ह्यूज अंडा इज रेडी गाइस। तो इसके अंदर से पता ही तुमको क्या निकलने वाला है, इसके अंदर से निकलने वाला है शैडो बिग गाइस। तो तुम लोग दिल थाम के बैठो, तुम्हारे सामने एक पावरफुल, मोस्ट पावरफुल पोकेमोन आ चुका है जो की है शैडो बिग। तो मैं तुम लोग को इसको निकाल कर दिखाता हूँ कितना ही मस्त दिखता है ये पोकेमोन। तो लेट्स गो, मैं तुमको दिखाता हूँ, ये देखो गाइस शैडो बिग। ओहो भाई साहब, इसके बीच में ये रिंग क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं। अभी अपने को प्लानिंग क्या करना है पता है, शैडो बिग तो आ चुका है, अब अपने को पकड़ने जाना है जॉर्मोनटाइट जिसका लेवल है 45 गाइस। तो उसको हराने के लिए अपने को कोई तगड़े पोकेमोन चाहिए। अभी तो शाम हो गई तो अभी तो अपन नहीं जाने वाले, वेट करते मॉर्निंग का होने का, जैसे ही मॉर्निंग होगी ना तो अपन निकल पड़ेंगे। तो लेट्स गो, इट्स गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग हो चुकी है यहाँ पर और यहाँ पर मेरी पूरी प्लानिंग बन चुकी है। तो अभी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि जॉर्मोनटाइट है क्या चीज भाई, उसको देखने के बाद तुम लोगों को पोकेमोन में से कौन से पोकेमोन की याद आती है ना तो फटाफट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा पोकेमोन कौन सा है जो कि मुझे बहुत खतरनाक लगता है। ये देखो गाइस, ये रहा जिसको हम पकड़ने जा रहे, ये है किंग ऑफ वाटर, मतलब इसके आगे सारे वाटर पोकेमोन फीके पड़ते और इसके सामने सारे गॉड पोकेमोन, जो भी गॉड पोकेमोन जो कि फायर पोकेमोन है, सारे फीके पड़ते। तो आज इसको हम पकड़ने जा रहे, तो इसको पकड़ने के लिए अपने को चाहिए इलेक्ट्रिसिटी पोकेमोन जो यहाँ पर लोकेशन है, तुम देख सकते हो 45 लेवल का ये बंदा है। इसको हराने के लिए अपने को बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेके जाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने 3 पोकेमोन जो लेकर जा रहा हूँ, ऑर्सक, डिनोजम और ये क्रिस बोल्ट, ये तीनों ही इलेक्ट्रिक सिटी के गॉड तुम बोल सकते हो। डिनोजम मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ, इसका पावर लेवल भी हाई है और इसकी एचपी भी हाई है। तो यार एक और रुको, एक और पोकेमोन मेरे पास था उसको लेकर जाने का, तो रुको कहाँ पर गया, शैडो बिग मेरे को लेकर जाने का था। शैडो बिग कहाँ पर है, वो एक इलेक्ट्रिक पोकेमोन है जिसको अपन यूज कर सकते हैं लड़ाई, मेरे को देखने दो, एक उड़ने फ्लाइंग टाइप इलेक्ट्रिक पोकेमोन है। लेट्स गो, कहाँ पर है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है मेरा बेगोन। यार इसको लेकर जाए क्या, ये भी है बोशी, इसकी स्पीड देखो भाई, लाइटनिंग स्ट्राइक मारता है, लाइटनिंग थंडर मारता है, लॉक ऑन लेजर, बट इसकी एचपी बहुत कम है तो मैं इसको नहीं लेकर जा रहा हूँ। मेरे पास ये भी ऑप्शन है रिलैक्सोरस और रायहॉन्ड, बट इनके अलावा मेरे पास जो पोकेमोन है जो कि मैंने रिसेंटली पकड़ा है पर्सनली लड़ने के लिए जॉर्मोनटाइट से, वो मैं तुमको दिखाता हूँ। रुको कहाँ गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेट्स गो, कहाँ भाई यार, रुको गाइस ध्यान से मुझे देखने दो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये रहा गाइस बेकॉन जिसकी एचपी 3247 और बट इसकी पावर लेवल, मतलब जो अटैक करता है वो कम अटैक करता है बट इसके पास एचपी ज्यादा है और ये अटैक भी ज्यादा अच्छा करता है, तो मैं इसको पर्सनली प्रिफर करता हूँ। तो यहाँ पर मेरी टोली तैयार हो चुकी है, तो ये फेलकॉम जो कि है यूज करूंगा मैं, उसके सामने आईएस्ट अटैक भी काम आ जाता है। तो मेरी पोकेमोन पूरी तरीके से तैयार है उसको हराने के लिए, तो फटाफट चलते उसकी लोकेशन की तरफ जहां पर वो रहता है। और अब तुम्हारे भाई के हाथ में आने वाला है एक और लेजेंडरी पोकेमोन, वाटर लेजेंडरी पोकेमोन हम पकड़ने जा रहे हैं अपनी पूरे पोकेमोन मैप
ट्रेन करके आ चुका हूँ, जितने भी मेरे इलेक्ट्रिक पोकेमोन थे ना सारों को मैं फाइटिंग स्किल सिखा कर आ चुका हूँ, तो अब यहाँ पर पूरी तरीके से मैं तैयार हूँ इनको हराने के लिए। तुम लोग को सामने वो पेड़ दिख रहा है ना, उसकी तरफ मुझे जाना पड़ेगा, तब जाके मैं उससे फाइट ले पाऊंगा। और एक बार मैं तुमको बता दूं, मेरे जो पोकेमोन है ना पानी के अंदर अटैक नहीं करते, अगर वो सामने आ गया ना तो मैं बहुत रुको यार ये कौन मेरे को मार रहा है, यार तुम लोगों को क्या दिक्कत है, मैं तुम लोगों से नहीं फाइट करना चाहता हूँ, मैं जा रहा तुम लोगों की बॉस से फाइट करने को, जॉर्मनटाइड से फाइट करने को। एक काम कर भाई बेकॉन, फटाफट खत्म कर इन लोगों को, देख रहे हो खाली फुकट मुझसे पंगा लिया ना, एक मिनट भी लगा ना तुमको मारने को, बाईस सेकंड में तुम्हारी हालियत खराब हो गई। और बेकॉन कहाँ गया, सॉरी बेकॉन कह रहा हूँ, जॉर्मनटाइड कहाँ पर गया, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, भाई ये फिर से आ गया। अबे यार इन लोगों का मैं क्या करूं, बेकॉन फटाफट इसको खत्म कर, मेरे रास्ते में से हटाए छोटे से काटे को, तो इसको भी मैंने मार दिया है, बट जिसके लिए हम लोग आए वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। रुको पास चलकर देखते क्या हमको, यस गाइस फाइनली सामने है तुम्हारे एम्परर ऑफ सी यानी द किंग ऑफ वाटर, राजा ऑफ वाटर, इसको आज हम पकड़ने वाले हैं। क्रिस वर्ल्ड को पहले उतारते मैदान में और फिर देखते कि हम लोग का क्या सीन होता है। तो लेट्स गो, कहां जा रहा है फाइट करने अपने, उसको बुलाता हूं मेरे पास, आ भाई तेरे से मेरे को लड़ना है। इसकी एचपी देखो 43,000, ओ भाई सॉरी 4,300, मतलब 4,300 बोलने वाला था, 43,000 गलती से मुंह से निकल गया, हो जाता है कभी कभी। तो यहां पर फाइट शुरू हो चुकी है, लेट्स गो। भाई क्या कर रहे, मार क्रिस बोल्ट पे, मार ही नहीं रहा है, क्या सीन है गाइस। हाँ तो मैं कह रहा था ना कि ये पानी में जब तक रहेगा ना, ये थोड़ा पास में आएगा तब मेरे पोकेमॉन्स अटैक करेंगे, वरना ये अटैक नहीं करने वाले। पता नहीं कैसे मैं इसे लड़ूंगा, क्योंकि देखो भाई कितने शांत तरीके से ये बंदा खड़ा है, अटैक कर ले भाई वरना वो अपने को कच्चा खा जाएगा जला के। एक मिनट रुको, इसके पास भी थंडर अटैक है, तो ये कॉम्बिनेशन अटैक कर सकता है, मतलब वाटर प्लस थंडर अटैक। अबे क्रिस बोल्ट तेरी आधी एचपी खत्म हो गई, भाई क्या कर रहा है, भाई मार ले वरना खत्म हो जाएंगे, यहाँ पर लड़ने आए अपन दोनों। लेट्स गो बेकॉन, तू कर सकता है, तो हवाई में उड़ रहा है, अबे अटैक कर ले भाई, यार क्या सीन है, कमांड भी दे रहा अटैक करने का बट ये अटैक नहीं कर रहे है, कैसे इनसे जीतूं भाई, मेरे को कुछ आइडिया नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी गाइस बेकॉन ने एक अटैक मारा जिसमें उसकी ज्यादा एचपी कम हो गई, मतलब भाई साहब एक अटैक में कम हो गई, तो अपन इसको पकड़ सकते हैं, बट ये अटैक करेंगे मेरे पोकेमॉन तब ना, पता नहीं मेरे पोकेमॉन अटैक क्यों नहीं कर रहे, क्या सीन है, पानी के अंदर इसलिए अटैक नहीं कर रहे, अगर को पास चलते तब जाके मुझे लग रहा है अटैक करेगा। एक आइडिया गाइस रुको, मैं क्या कर रहा हूं ना, ये छोटा सा आइलैंड तुमको दिखाई दे रहा है इस तरफ, मैं उधर चलता हूं, तब जाके मेरे को लग रहा है ये अटैक करेगा, वरना ये अटैक नहीं करने वाला है। ये देखो भाई सिर्फ उड़ रहा हवा में, भाई तुम लोगों को मैंने क्यों भेजा है, लेट्स गो बेकॉन अभी तो अटैक कर ले भाई, क्या कर रहा है, देखो एक अटैक में इतना पावर कम कर रहा है, तो फटाफट अटैक करेंगे तो कितना पावर कम होगा, ये एकदम धीरे धीरे अटैक। अबे यार वो कंटिन्यू अटैक किए जा रहा है, मेरे पोकेमॉन्स अटैक कर नहीं रहे, मेरे पे अटैक करने में मेरी पावर पूरी आधी एचपी हो चुकी है, मेरे को लग रहा है गाइस मैं इसको नहीं पकड़ने वाला हूं, मैं पकड़ ही नहीं पाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है मेरे को लग रहा है। अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा, अगर मैं यहां पर जाने के बाद भी इसने अटैक नहीं किया तो समझ जाना हम इसको नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि मेरी एचपी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। लेट्स गो अटैक कर रहा है भाई साहब, ये देखो एक अटैक पे कितनी ज्यादा पावर कम हो रही है, यही मेरा मौका है, यही मेरा मूवमेंट है, क्या मैं जीत पाऊंगा गाइस, फिर भी रुक गया। अरे जैसे वो पानी के अंदर जा रहा है ना, मेरे पोकेमॉन अटैक ही नहीं कर रहे, इनको कमांड ही नहीं मिल रहा, इन लोग को चाहिए फेस टू फेस, सामने टू सामने, जैसे जमीन पे आ रहा है थोड़ा क्लोज आ रहा है तब जाके मेरे पोकेमॉन उस पे अटैक कर रहे हैं, और ये कंटिन्यू अटैक कर जा रहा है, मैं डॉज कर रहा हूँ, मेरे पोकेमॉन को भी मार रहा है, तुम देख सकते हो। रुको फिर से ट्राई करते हैं बेकॉन, अब तू तो मार दे भाई साहब, यार कुछ तो करो, क्या कर रहे हो तुम लोग, लाया क्यों है मैंने मार खाने के लिए, कुछ भी नहीं कर रहे, लेजर अटैक, लेजर थंडर अटैक, लेट्स गो भाई साहब, 57 का डैमेज, ठीक है यार ठीक आग लग चुकी है भाई, पानी में चल, लेट्स गो। यहाँ पर देखो मैंने 700 का डैमेज को दे चुका है, तो लेट्स गो, यहाँ पर मैंने बुला लिया गॉड ऑफ इलेक्ट्रिक पोकेमॉन ऑर्सक, लेट्स गो ऑर्सक अटैक कर, कहाँ गया ऑर्सक मेरा भाई, ऑर्सक अटैक कर तेरा, वो क्या बोलते हो त्रिशूल थंडर अटैक, उसी से मैं जी सकता हूँ, क्या कर रहे हो भाई, मेरे को नहीं लगता इन लोग अटैक करने वाले, इसको काम करते हो ना, पास बुला दे इसको मार के, ये देखो गाइस तुम लोगों ने ऑर्सक ने एक अटैक मारा और 200 का डैमेज, ओ भाई साहब फिर से 80 का डैमेज, लेट्स गो ऑर्सक, इसको क्यों मारा ऑर्सक, इससे नहीं लड़ना, ये बच्चा इससे नहीं लड़ना, अपने को इससे लड़ना है, इससे लड़ ले ऑर्सक। अभी कहां है यार, मतलब मैं क्या करूं इन लोगों का यार, ये मेरी बातें ही नहीं सुनते, मैं इनको कह रहा हूं जिससे लड़ना उससे लड़ लो भाई, इससे क्यों लड़ रहे हो, इसको अपने को पकड़ना है, ये पोकेमॉन मेरे को चाहिए भाई, ये गॉड पोकेमॉन है, लेट्स गो, दिया फटका दिया, ये 20 का डैमेज, ये क्या था भाई, लगा नहीं लगता उसको, सही से इफेक्ट नहीं पड़ा, ऑर्सक तो मर गया भाई, ऑर्सो भाई स्टॉप, ऑर्सो का ये अटैक, ओ भाई
लिटरली देखा तुम लोगों ने क्या अटैक किया और सर डिनोजम लेट्स गो तेरे भरोसा है मेरे को, तू इसको खत्म कर दे बे, ड्रैगन अटैक कर रहा है, ड्रैगन अटैक, वो भी ड्रैगन अटैक, ये भी ड्रैगन अटैक, मेरे को ड्रैगन अटैक नहीं चाहिए डिनोजम, मेरे को चाहिए थंडर अटैक, लेट्स गो थंडर अटैक कर, लाइटनिंग स्ट्री अटैक कर, लेट्स गो 50 100, ओहो अभी अटैक डैमेज दे रहा है, लेट्स गो डिनोज थंडर अटैक, डिनोजम पे कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, तू कितना भी कर ले, लेट्स गो 2800 पे आ चुका है गाइस, यही मौका है डिनोजम अटैक, अबे यार यही तो प्रॉब्लम होता है ना वाटर टाइप से लड़ने का, ये पानी के अंदर रहते हैं और मेरे पॉकीमोन को लगता है कि हमको लड़ना ही नहीं, हमको सिर्फ खड़े रहना है, तो यहाँ पर देखो बेकॉन मर गया भाई, बेकॉन खत्म हो चुका है, बेकॉन की एचपी ऑलमोस्ट 10 HP बची और बेकॉन कभी भी मर सकता है, तो यहाँ पर बेकॉन की खत्म होने की कहानी है, बेकॉन एक काम का मरने से पहले कुछ तो डैमेज देता था भाई कम से कम, मैं देखो गाइस 900 HP बची है, लेट्स गो कम ऑन यार मारो उसको, क्या कर रहे हो, लाइटनिंग स्ट्राइक आ रही है, लाइटनिंग स्ट्राइक आ रही है, ओ 200 का डैमेज, ओ भाई साहब यही तो देना था ना, कब से मैं वेट कर रहा था गाइस, ये आ चुका है, इसके ऊपर तो मेरे पॉकीमोन कंटिन्यू अटैक कर रहे थे, देख रहे हो फिर से लाइटनिंग स्ट्राइक आ रही है, लगता है नहीं लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं आ रही, मैंने यहाँ पर ग्रीस बोल्ट निकाल लिया है, देख रहे हो गाइस जैसे लैंड पर आया ना मेरे पॉकीमोन कंटिन्यू अटैक कर रहे हो, डैमेज पे डैमेज को दिए जा रहे, फिर से पानी में चले गया, तो यार यही पॉकीमोन कंफ्यूज हो रहे कि मैं अटैक करूं कि नहीं करूं, जैसे ही सामने आता है मेरे पॉकीमोन हैवीली अटैक कर रहे इसके ऊपर, तो ये देखो पानी में मेरा अटक गया, ग्रीस बोल्ट फिर से, ग्रीस बोल्ट लेट्स गो, ग्रीस बोल्ट नहीं बेकॉन मरने दो, बेकॉन के एचपी ऑलमोस्ट मैंने बढ़ा दिया, बेकॉन इज एंड, लग रहा है बेकॉन खत्म, ले जा बेटा आ जा और सक बेटा ले अपना दे वो फटका दे लाइटनिंग स्ट्राइक वाला, ओ हो हो 200 का डैमेज, ओ भाई साहब तुम देख रहे हो द इलेक्ट्रिक गॉड पॉकीमोन है ये, ऐसे थोड़ी ना कहते इसको गॉड पॉकीमोन, लेट्स गो डिनोजम लक्स को बुलाते फिर से, यहाँ पर थोड़ा खाना पीना खिलाओ इन लोग को यार, इन लोग का डैमेज बहुत ज्यादा पड़ रहा, ओ भाई साहब तुम लोगों ने देखा दो अटैक में इसकी एचपी मतलब उसने कम से कम 800-900 डैमेज दे दिए 2 HP में, ओ हो ऐसे ही थोड़ी ना कहते गाइस, द थंडर किंग थंडर द लॉर्ड भाई साहब ऑर्सक देख रहे हो क्या डैमेज दे रहा है ऑर्सक, ओ भाई क्या फाइट कर रहा है ऑर्सक ने इसको 700 पे ला दिया, लेट्स गो मेरे को लग रहा है ना गाइस यहाँ पर ऑर्सक ने अपना काम कर दिया, ऑर्सक अपने को पकड़ के दे देगा जॉर्मोन टाइड, लेट्स गो 500-400 पूरा मत मारना रुक जा, लेट्स गो पहला ट्राई अटेम्प्ट करते क्या आएगा अपने पास, पहले अटेम्प्ट में जॉर्मोन टाइड द वॉटर एम्परर, लेट्स गो आ जाना पहले अटेम्प्ट में आ जाएगा, पहले अटेम्प्ट में आ जाएगा, पहले अटेम्प्ट में आ गया, ओ My God, let's go, buddy. यहाँ पर तुम लोग देखो तुम्हारे भाई ने पहले अटेम्प्ट में पकड़ लिया जॉर्मोन टाइड द एम्परर ऑफ सी को पकड़ लिया, ओ भाई ऑर्सक तू यार यहाँ से पूरा श्रेय जाता है ऑर्सक को गाइस, ऑर्सक ने पकड़ा अपने जॉर्मोन टाइड को, तो ऑर्सक कहाँ पर रुको ऑर्सक तू भाई रहा, मेरे को तेरे को पप्पी झप्पी लेनी है, यहाँ पर द गॉड द लेजेंड ऑफ इलेक्ट्रिक पॉकीमोन ऑर्सक, तुम लोग इसको देख सकते हो इसका लेवल अभी तक हाई नहीं है, तो इतना डेडली पॉकीमोन अगर इसका लेवल पूरा 50 हो गया तो क्या पॉकीमोन बनने वाला है, लेट्स गो मैं तुमको दिखाता हूँ तुमको मिलवाता हूँ मेरे पॉकीमोन न्यू लेजेंडरी पॉकीमोन जिसका नाम है जॉर्मोन टाइड द एम्परर ऑफ वाटर एम्परर ऑफ सी, लेट्स गो चलते अपने बेस की तरफ, रात होने वाली है अभी चल के अपन जरा रेस्ट करते हैं, तुमको मिलूंगा कल सुबह और तुमको दिखाता हूँ मेरा जॉर्मोन टाइड, लेट्स गो गाइस सुबह हो चुकी है और तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो ये रहा हमारा अल्ट्रा लेजेंड पॉकीमोन, और मैं कह रहा था ना कि इसका मैच टू मैच जो पॉकीमोन में गैरडोस होता है वाटर का वो भी किंग, और ये रहा जॉर्मोन टाइड जो कि दोनों सेम दिखते, अगर ये अपने टोली में रहेगा ये अपने जर्नी में रहेगा तो अपन जो भी फायर टाइप पॉकीमोन सामने आएगा उसको तो यू हरा देंगे, और अभी इसके बाद हम जाने वाले एक ग्राउंड टाइप लेजेंडरी पॉकीमोन को पकड़ने को, तो मैं तुमको दिखाता हूँ कि वो ग्राउंड टाइप लेजेंडरी पॉकीमोन है कौन सा, तो चलो यहाँ से चलते फटाफट डेजर्ट की इलाके की तरफ जहां पर वो रहता है, तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ गाइस, तुम लोग देख सकते हो वो स्टैचू को वहां पर रहता है वो ग्राउंड ट्राइब लेजेंडरी पॉकीमोन जिसका नाम है अनुबिस, अब हमारा मिशन होने वाला है उसको पकड़ने के लिए, तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा स्टैचू बना है, ये अल्ट्रा लेजेंडरी पॉकीमोन इसके पास बहुत ही खतरनाक पावर है, तो यहाँ पर देखो कुछ लौंडे उसको परेशान कर रहे हैं, ये उनके सामने भाई मतलब क्यों उसको परेशान कर रहे हो, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो, ओ भाई साहब ये अटैक देखा तुमने भाई, जमीन में से उसने स्टोन उगा दिए, लिटरली गाइस इसको हराना बहुत ही हार्ड होने वाला है, और इसका लेवल 47 और इसकी एचपी भी बहुत ज्यादा है, तो इसको हमको हराने का मिशन है, 4000 HP का बंदा है, इसको हराने के लिए हमको क्या लाना पड़ेगा पता है, हम लोग को तीन टाइप के पॉकीमोन काम आ सकते हैं, सबसे पहले ग्रास टाइप पॉकीमोन जो इसके सामने बहुत इफेक्टिव होते हैं, दूसरे होते हैं वाटर टाइप पॉकीमोन जो इसके सामने इफेक्टिव होते हैं, और तीसरा शायद से कौन सा होता है आइस टाइप जो कि इसके सामने इफेक्टिव होते, तो हम लोग ये तीन टाइप के पॉकीमोन लाने वाले इससे फाइट करने के लिए, तुम लोग यहां
से देख सकते हो गाइस, ये एरिया में हमको आना है ये बंदे को हराने के, ये पोकेमोन को हराने के जिसका नाम है अनुबिस। इसको हराने के लिए हमको एक परफेक्ट टोली बनानी पड़ेगी, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, परफेक्ट प्लानिंग करना पड़ेगा, तब जाके अपन इसको अनुबिस को पकड़ पाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हो। तुम लोगों को आज की वीडियो में क्या पसंद आया रहेगा तुम बताना फटाफट से। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना मेरी पोकेमोन जर्नी में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखो ये गाइस 10 पोकेमोन, ये तो हमारे पास कंफर्म रहने वाला है, बाकी 4 पोकेमोन कौन से रहने वाले तो वो आने वाली वीडियो में देखने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाना, तब जाके आपको पता चलने वाला है कि हम ऐसे कौन से 5 पोकेमोन लाने वाले ये बंदे से लड़ने के लिए जो कि है अल्ट्रा गॉड ग्राउंड टाइप का। तो यहाँ पर देखो अनुबिस भाई तू अंदर जा। ये देखो गाइस अनुबिस को पकड़ने के लिए आने के लिए देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस।